सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप गाइस आप लोग सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले जो हमारा टॉपिक है वो है गाइस हमारा परमानेंट ब्लो ड्रायर। काफ़ी लोग मुझे यही कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम वगैरह पे कि परमानेंट ब्लो ड्रायर के बारे में बताओ, और उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गूगल पे सर्च भी किया है कि इस प्रोडक्ट को, कि ये परमानेंट ब्लो ड्रायर करने के लिए प्रोडक्ट हमें कहाँ पर अवेलेबल में होगा। शायद उन्होंने लॉरियल, सोरोस्कोप, रिलायंस सब में भी देखा ही होगा, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो ब्रांड यूज़ होते हैं वो इन्हीं तीन सीरीज़ के यूज़ होते हैं। तो और मुझे ये भी पता है कि गाइस आप लोगों ने अगर ये सर्च किया भी होगा प्रोडक्ट, इसका वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिला होगा, ठीक है गाइस। क्योंकि गाइस क्या है ना, देखिए गाइस, ये परमानेंट ब्लो ड्रायर, ठीक है, एक नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल ब्लो ड्रायर करते हैं ना, उस लुक को परमानेंट कैसे करें ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समझना, और इसको कैसे करना, क्योंकि गाइस एक पर्टिकुलरली एक पता चल जाता है, जैसे स्मूथनिंग है वो सोरोस्कोप ग्लैड से होती है, प्रोटीन अगर हमें चाहिए वो केराटिन से होती है, लेकिन परमानेंट ब्लो ड्रायर हाउ इज इट पॉसिबल? तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ है ना गाइस, तो गाइस ब्राजीलियन ब्लो ड्रायर लुक आजकल सभी लोगों को पसंद है, और जो ब्राजीलियन ब्लो ड्रायर लुक था वो ब्राज़ील से ही स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता है कि बाल ना, देखिए एक टेक्सचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी होता है, ठीक है, फ्रीजी होता है। इन पर हम स्मूथनिंग करते हैं अगर इस पर हम, तो हेयर को हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट, ठीक है। और स्ट्रेट होने के बाद क्लाइंट को किस तरीके का टेक्सचर मिलता है, वो किस तरीके की उनको फेस शेप मिलती है। अगर क्लाइंट का फेस लंबा है तो उनको जो शेप मिलेगी ना वो एकदम कानों से चिपकी हुई मिलेगी। अगर फेस गोल है, अगर वो कान से चिपक कर उनको एक शेप मिलेगी तो चल जाएगा, क्योंकि गोल फेस है उनका, फेस क्या है वो कंटोर हो रहा है, एक हेयर से उनका फेस एक शेप में आ रहा है, लंबा लग रहा है। ऑलरेडी अगर किसी का फेस लंबा है पहले से, तो उनके बालों में स्मूथनिंग वाला जो टेक्स्चर है वो क्लाइंट पसंद बिल्कुल भी नहीं करती है, इस लुक को लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो पार्टी वगैरह में भी जाते तो आयरन नहीं कराते हैं, ठीक है गाइस, यानी कि प्रेसिंग वो नहीं कराते हैं, उनको ब्लो ड्रायर लुक ही चाहिए। और करे कैसे ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कितने तरीके से लोग इसको करते हैं, कौन सा पैटर्न राइट है, कौन सा पैटर्न राइट नहीं है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतना हमने समझ लिया है कि ये किस क्लाइंट को दिया जाता है, ठीक है, ये नहीं अगर किसी को स्ट्रेट चाहिए आप सोच रहे हो कि ब्लो ड्रायर लुक दे देंगे, तो वहाँ पर क्लाइंट की आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो गाइस इसका कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता है ब्लो ड्रायर परमानेंट करने के लिए, और ये सिर्फ अपनी तरफ से बनाई हुई टेक्निक्स होती है। तो जैसे कि आपको पता है मार्केट में जो कैरा स्मूथ का प्रोडक्ट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और जो कोई थर्ड पार्टी कोई बना रही होगी वो कैरा स्मूथ लिखकर, तो वो एक अथॉराइज सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि लॉरियल, सोरोस्कोप, विला ये कैरा स्मूथ का प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। इनको करने के लिए टेक्निक चाहिए, आप सभी को पता है कैरा स्मूथ वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, डिटेल में वीडियो बताई हुई है। देखिए ब्लो ड्रायर परमानेंट करने के लिए लोग, काफ़ी लोग क्या करते हैं, केराटिन यूज़ करते हैं। केराटिन कौन सी यूज़ करते हैं, ये केराटेक, प्रोटेक में और कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, वो वाली यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो ब्राज़ीलियन केराटिन यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। नॉर्मल केराटिन जो आती है हमारे इधर, ब्राज़ीलियन केराटिन में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। ब्राज़ीलियन केराटिन अगर जब आप करोगे ना, तो क्लाइंट के हेयर को एक स्ट्रेट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ क्लाइंट को एक वॉल्यूम, इसको हम डेंसिटी भी बोलते हैं, ये चीज़ मिलती है। स्ट्रेट जब हो जाता है, मैंने बताया कान से चिपक जाते बाल, इसमें कान से नहीं चिपकेंगे। जब आप जैसे फ्लैट ब्रश से स्ट्रेट ड्रायर करते हो ना, इसमें आपको वही वाली लुक मिलती है, लेकिन जो है ब्राज़ीलियन केराटिन का जो प्राइस है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो गाइस क्लाइंट इतना पे नहीं करते हैं, और हम वाली क्लाइंट को ब्राज़ीलियन केराटिन नहीं लगा सकते हैं। इसका एक आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको जो हमारे
स्मूथनिंग की क्रीम्स आती है, स्मूथनिंग की क्रीम आती है, लॉरियल में हो गया, सॉस्कोमैट्रिक्स वगैरह वगैरह। इसमें क्या करना है, आपको क्या करना होता है, क्लाइंट का पहले हेड वॉश करना होता है, ठीक है गाइस। हेड वॉश के बाद गाइस आपको क्लाइंट के जो हेयर है टॉवल ड्राई करना होता है, ठीक है। स्मूथनिंग क्रीम से ही परमानेंट ब्लो ड्राई करेंगे, टॉवल ड्राई करना होता है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको फर्स्ट क्रीम जो है स्मूथनिंग वाली एप्लीकेशन कर देनी है, अप्लाई कर देनी है फर्स्ट क्रीम, ठीक है। बॉन्ड को गाइस इसमें हम ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है। बॉन्ड को हम इसमें ब्रेक नहीं करते हैं, इसमें हम करते हैं बॉन्ड को रिलैक्स। बॉन्ड रिलैक्स कैसे, आपने देखा होगा जब हम बॉन्ड को चेक करते हैं तो एक प्रॉपर, जब हमारा बॉन्ड हो जाता है तो प्रॉपर तरीके का एक स्पाइरल बनता है, ठीक है। लेकिन गाइस जब हम बॉन्ड चेक करेंगे तो इसमें हम इसमें से हल्का सा मतलब एक एस वेव आ जाए उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर बॉन्ड ब्रेक हो अगर हो गया आपसे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल हल्का सा भी वेव मिलता है ना ऐसे नॉर्मल, मेरा मतलब इतना नहीं कि क्लाइंट का बाल ऐसे टेक्सचर का है तो सिर्फ ऐसे इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था तो ब्रेक हो गया, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप प्रॉपर बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, इसमें मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। देन आपको क्या करना है, रिंस, सेम स्मूथिंग वाला प्रोसेस चल रहा है। रिंस के बाद आपको जो हम स्मूथनिंग में आयनिंग करते हैं, आयरन नहीं करना है, बाल को सुखाना है और आपको रोलर ब्रश यूज़ करना है। रोलर ब्रश आपको पता है रोलर ब्रश कौन सा होता है, जो आप जिससे ब्लो ड्रायर करते हो वो हमारा रोलर ब्रश होता है। रोलर ब्रश की मदद से आपको ब्लो ड्रायर करना है वो भी गाइस सारे 90 डिग्री पे सेक्शन लेके, 90 डिग्री पे सारे सेक्शन लेके आपको ब्लो ड्रायर करना है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्लाइंट का हेयर इस टाइप के हैं, सेक्शन निकालते ऐसे होते ना, नैप इरेज़र ले लो, सारे सेक्शन ऊपर उठा उठा के ब्लो ड्रायर आप करोगे 90 डिग्री में, सारे ब्लो ड्रायर 90 डिग्री में होने चाहिए, सारे सेक्शन 90 डिग्री में होने चाहिए। और ब्रश को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रोल अगेन रोल रोल घुमाना है, ठीक है, ताकि एक बालों में वॉल्यूम क्रिएट हो। जैसे ही आपका ब्लो ड्रायर कंप्लीट हो जाता है आपको लगाना है न्यूट्रलाइजर, आपको न्यूट्रलाइजर लगाना है। न्यूट्रलाइजर की टाइमिंग होगी आपकी अकॉर्डिंग टू टेक्सचर 10 से 15 मिनट आपको न्यूट्रलाइजर लगाना है। देन आपको क्लाइंट का रिंस करना है, रिंस करने के बाद आपको एक अच्छे ब्रांड का मास्क लगाना है, देन आपको फिर रिंस करना है। आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद लास्ट फाइनल में आपको एक बार और ब्लो ड्रायर करना है, राइटिंग थोड़ी खराब है गाइस। ब्लो ड्रायर करने के बाद आपको क्लाइंट को वही होम केयर देनी है, दो दिन तक कानों के पीछे निकलने सेटिंग वगैरह नहीं आने देनी। इसमें क्या रिजल्ट आपको मिलता है कि स्ट्रेट तो हो गए ही हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था ब्राजीलियन कैरेटिन में स्ट्रेट प्लस वॉल्यूम मिलता है, इसमें भी आपको सेम यही मिलेगा। इसमें सेम स्मूथनिंग वाला प्रोसेस है, जो स्कीप हुई है तो वो गाइस हमारी स्कीप हुई है वो है हमारी आयरन, आयनिंग हमने नहीं करी है, जो टेक्सचर को एकदम फ्लैट लुक देता है, ठीक है गाइस। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और गाइस इस परमानेंट ब्लो ड्रायर आप कन्फ्यूज ना हो, गूगल पर बार बार सर्च मत करना कि इसका कौन सा प्रोडक्ट आता है, इसको कैसे करते हैं, सिर्फ अपनी सेम वही टेक्निक्स होती है जो हम लोग करते आ रहे हैं। देख सकते हैं आप लास्ट में ब्लो ड्रायर रिंस करते आ रहे हैं, सेम वही है।
और कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको अच्छे समझ आ गया होगा वीडियो को। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।